नमस्कार, yogare.com की YouTube चैनल योगारे में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन सी के बारे में। सो विटामिन सी के बारे में बात करने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का जो रेड बटन है इसको दबाइए, और इसके साथ में जो बेल आइकन बटन है इसको प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक विटामिन है, और शरीर में इकट्ठा इसको नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये जो एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, फैट सोल्यूबल नहीं है, और इसकी मात्रा भोजन के द्वारा हमें लेनी पड़ती है। ये हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने में बहुत ही कारगर है, हमारी त्वचा को चमकदार बनाने के लिए भी सहायक है, हमारे शरीर में जो कई बीमारियों से सुरक्षा के लिए और त्वचा में रौनक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दांतों के रोगों के लिए पायरिया हो गया, स्कर्वी हो गया है, मसूलों की सूजन को दूर करने के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी विटामिन है। ये हमारे शरीर में संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उत्पन्न करता है। विटामिन सी से शरीर में घाव जो होते हैं वो जल्दी ठीक होने लगते हैं अगर इसकी पर्याप्त मात्रा है। नाड़ी संस्थान आपका हो गया, और जो टॉक्सिन्स होते हैं उनसे अगर बॉडी में काफ़ी इकट्ठे हो जाएँ तो उनसे रक्षा के लिए भी विटामिन सी बहुत ही उपयोगी है। इन्फ्लुएंजा से भी ये शरीर को ताकत देता है बचाने के लिए, और विटामिन सी जोड़ों के दर्द और हड्डियों की कमजोरी को भी दूर करता है। युवावस्था में बने रहने के लिए विटामिन सी बहुत ही सहायक है। यदि शरीर में घाव हो या चोट लग जाए और खून बहने लगे तो उसे रोकने में भी विटामिन सी सहायक है। विटामिन सी कोशिकाओं और पाचन क्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि कैंसर और अन्य रोगों से लड़ने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये फ्री रेडिकल से बचाने में भी हमारा कार्य करता है। इसके अलावा कोशिकाओं और डीएनए में होने वाले बदलाव से भी ये हमें बचाता है, और शरीर में कैंसर जो होता है उसे पैदा होने से रोकता है, कैंसर सेल्स को जन्म लेने से रोकता है। तो आइए जानते हैं विटामिन सी की कमी के कारण, कि विटामिन सी की कमी के क्या कारण होते हैं। तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, आप अच्छे से अपनी डाइट नहीं ले रहे हैं या डाइट कम दे रहे हैं, और विटामिन सी जो है आपकी बॉडी में दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। कई बार ये अनुवांशिक होता है, यानी कि हेरिडिटरी होता है, आपके पेरेंट्स से आपको मिलता है। यदि रोगी के घर में किसी को भी विटामिन सी की कमी हो तो वो आगे भी ट्रांसफ़र हो सकती है। विटामिन सी की कमी के कारण कोई गंभीर बीमारी तो गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होना, डायबिटीज़ और मोटापा यानी कि ओबेसिटी। जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं उनके लिए भी विटामिन सी की कमी होना उनमें बहुत ही लाजमी देखा गया है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की, अगर कमी हो जाए तो क्या लक्षण प्रकट होते हैं। तो विटामिन सी की कमी होने पर जो हमारे घाव हैं शरीर में बहुत धीरे धीरे भरते हैं और चोट के निशान भी रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि विटामिन सी जो है शरीर में कमी होने के कारण वो जो कोलेजन जो बनने की प्रक्रिया है वो धीरे होने लगती है, जिस कारण से घाव भी धीरे भरता है। विटामिन सी की कमी होने पर शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, मसूड़ों का लाल होना, खून आना, और कई बार तो विटामिन सी की कमी से मसूड़े बैंगनी कलर के भी हो जाते हैं। त्वचा का रूखा रहना ये भी विटामिन सी की कमी का एक बहुत बड़ा लक्षण है। हड्डियों का कमजोर होना और जोड़ों में दर्द भी विटामिन सी के लक्षण ही हैं, और आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी कि इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो उसमें भी आपका जो है वो कम होने लगता है, आप बहुत जल्दी रोगग्रस्त होने लगते हैं। तो अब जानते हैं कि कमी से कौन से रोग होते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन सी की कमी से बच्चे के मस्तिष्क के विकास में बहुत ही समस्या होती है। बालों की समस्या खास है, इसमें बालों का झड़ना, टूटना, रूखे सूखे बेजान हो जाना विटामिन सी के कारण ही होता है। विटामिन सी की अगर प्रतिदिन मात्रा की बात करें तो पुरुषों के लिए 90 mg और महिलाओं के लिए 75 mg जो है निर्धारित है, आप इसे ले सकते हैं। और अगर विटामिन सी की कमी आपके बॉडी में अगर होती है तो उसको पूरा करने के लिए आप कम से कम इतनी 90 mg पुरुष और 75 mg स्त्रियां इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अब विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए कौन सा आहार लिया जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। विटामिन सी को पूरा कमी को पूरा करने के लिए आप हरी सब्जियों का सेवन करें, बंद गोभी, पालक, करेला, मूली और हरे पत्ते की सब्जियां, या हरी सरसों, हरी मिर्च, टमाटर हो गया, चुकंदर हो गया, विटामिन सी की अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। विटामिन सी युक्त फल, संतरा, मौसमी और अनानास, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, पपीता, मुनक्का, खजूर, आंवला, गन्ना, आम, अनार, अमरूद का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए, और आप इसके जूस भी ले सकते हैं। अंकुरित अनाज, गेहूँ, मूंग दाल का भी सेवन इसमें बहुत उपयोगी है। तो ये थी विटामिन सी के विषय में पूरी जानकारी। तो आप हमारी वेबसाइट yogare.com पर भी जा सकते हैं इसी तरह की बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए।
और हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें।